नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। तो आज हम अनबॉक्सिंग कर रहे हैं एक नए प्रेशर कुकर की, जिसका नाम है प्रेस्टीज क्लिप ऑन मिनी स्वच्छ। ये 3 लीटर का प्रेशर कुकर है और ये SS का है, स्टेनलेस स्टील का, जो हैवी बॉटम वाला है। जनरली हम लोग एल्यूमिनियम का प्रेशर कुकर यूज़ करते हैं, या तो एल्यूमिनियम के जो ऊपर कोटेड रहता है एनोडाइज वाला, वो यूज़ करते हैं। लेकिन एल्यूमिनियम हमारे सेहत के लिए बहुत हानिकारक होता है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक SS का लिया जाए। जनरली SS में डर रहता है कि कहीं वो चिपक ना जाए नीचे बॉटम में, ये सब रहता है। तो आजकल जो SS का जो क्वालिटी है, जो हैवी बॉटम वाला, वो नया आया है। और ये प्रेशर कुकर की खासियत जो है, इसका जो ढक्कन है वो नए तरीके से बंद होता है। यहाँ पे देख रहे हैं ये क्लिप ऑन है, ठीक है। तो हम इसका अनबॉक्सिंग करेंगे। इसकी जो हम लोग बात करें तो इसकी प्राइस जो है, इसके ऊपर लिखी है 3470 रुपीज़। ये पूरी तरह मेड इन इंडिया है और कंपनी जो है वो भी इंडिया की ही है। तो इस आप इसे जो है आप आराम से खरीद सकते हैं। तो इसको हम ओपन करते हैं। तो हमको एक ये मैनुअल है इसमें, और साथ में इसका इसके अंदर जो हम लोग नॉर्मली बोलते हैं CT, एक्चुअली लीड बोलते हैं इसको, तो एक इसमें साथ में ये दिया है। फिर इसका साथ में एक ग्लास का लीड दिया हुआ है एक्स्ट्रा, देख सकते हैं। यहाँ पे हम जो अपना जो कलछुल बोलते हैं वो रख सकते हैं इसमें। हमारा जो ये मेन यूनिट है, एकदम चमकता हुआ 3 लीटर का है ये, काफी वजनदार भी है। ये जो खुलता है ऐसे हम करेंगे तो इसकी जो क्लिप है वो बाहर निकल जाएगी। इसका जो ऊपर का जो ढक्कन है बहुत ही वजनदार है, हैवी गॉज का एकदम। ये इसके अंदर इसका रबड़ है मेन, तो इसका जो ये जो क्लिप है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जनरली हमारे कुकर में क्या, एक तो अंदर से बंद होता है, दूसरा एक होता है बाहर से लगा के ऐसे लॉक कर देते हैं, वो वाला रहता है। ये एक तीसरा टाइप का आ गया है, क्लिप ऑन वाला। ये अंदर देखे तो ये 3 लीटर का, और ये दोनों पे गैस पर भी काम कर सकता है और आपका जो इंडक्शन है उस पर भी काम कर सकता है। इसके जो हैंडल है वो प्लास्टिक के हैं, स्क्रू वाले हैं, मतलब अगर टूट गया तो आप वापस लगा सकते हैं मार्केट से नया लेके। अब इसके ढक्कन की बात करें तो इसका जो नॉब है ये लेफ्ट और राइट करते ही खुल जाता है, बंद हो जाता है। यहाँ पे हमारा जो प्रेशर कुकर की जो सीटी बोलते हैं वो यहाँ पे लगेगा जो, और यहाँ पे एक जो ये लीड है ये दिया हुआ है, अगर ये ऊपर आ जाता है तो इसका मतलब है कि अंदर प्रेशर बन गया है, और ये जब नीचे है ये तो इसका मतलब है कि अभी प्रेशर नहीं है अंदर। तो आपको कब इसको खोलना है यहाँ से आपको पता चल जाएगा, जैसे ये नीचे चला जाए तो आप जो कुकर को है वापस खोल सकते हो। यहाँ पे लिखा है प्रेस टू ओपन, तो इसको हम प्रेस करेंगे उसके बाद ये ओपन होगा। ये देखिए इसका प्रेशर लीड है, इसको हम लगा देंगे यहाँ पे।
रेडी हो गया। इसको जो है हम किसी भी दिशा में कहीं भी लगा सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे लगाओ यहाँ पे लगाओ, आप किसी भी दिशा में लगा सकते हैं। इसको रखा, इसको बंद किया, बंद हो गया। मान लो कि इसको यहाँ लगाना है, आप इसको यहाँ पे यहाँ लगा सकते हैं। इसको उठाना हमको ऐसे ही होगा, नॉर्मल जो प्रेशर कुकर में हमारा ऐसा रहता था तो एक हाथ से उठाते थे, यहाँ पे एक हाथ से नहीं उठा सकते, दोनों हाथ से उठाना पड़ेगा आपको। ये इसका मैनुअल है, यहाँ पे सारी इसकी जो क्या क्या चीज़ है इसमें सब चीज़ लिखा हुआ है। यहाँ पे जो था ये है, ये क्लीनिंग विंडो है साफ करने के लिए। और एक यहाँ पे एक दिया हुआ है, स्टैंड आता है, ये जो है आपको 5 लीटर कुकर के साथ ही मिलता है। हमारा ये 3 लीटर का है तो ये इसमें नहीं दिया है, इसमें सिर्फ हमको एक्स्ट्रा लीड दिया हुआ है। तो मान लो कि हमको अगर कुकर नहीं करना है, कुछ छौंकना है या कुछ भी करना है, तो इसको हम यहाँ पे लगा देंगे और इसके ऊपर हम अपना जो है कोई भी अपना जो जिससे हम चलाते हैं स्पून है, बड़ा वाला स्पून, वो यहाँ पे रख सकते हैं। मेन चीज़ तो इसका जो बॉटम है वो बहुत हैवी है, इसके कारण जो है आपका जो चावल है या कुछ भी है चिपकेगा नहीं। अब इसको इस्तेमाल करने के बाद ही पता चलेगा, तो हम इसको एक इस्तेमाल करके भी आपको दिखाएंगे। तो इसकी अगर खासियत के बारे में बात करें तो इसका एक जो लीड है वो अलग तरीके से बना हुआ है, जो हम लोगों ने नॉर्मल जो दो दो लीड हमने देखे हुए हैं पुराने कुकर में, एक अंदर से बंद होता है और एक बाहर से बंद होकर उसको हम टाइट कर देते हैं। तो ये क्लिप ऑन वाला नया है। मेन चीज़ क्या है कि ये तो बहुत मजबूत हैवी गॉज का है, तो दूसरा कि ये SS का है, एल्यूमिनियम का नहीं। एल्यूमिनियम जैसे मैंने बताया कि एल्यूमिनियम जो है थोड़ा आजकल दिक्कत करता है खाने पीने में और वो जल्दी डैमेज भी हो जाता है। SS जो है उसका उसकी जो मजबूती है वो प्रेशर कुकर को अच्छा देता है, मतलब लॉन्ग टाइम जो है सर्वाइव कर सकता है, फटने के चांसेस कम रहते हैं इसमें। एल्यूमिनियम जल्दी फट सकता है, जल्दी टूट सकता है, हादसे हो सकते हैं इसमें, हादसे होने की संभावना बहुत कम है। इसमें जो हमें खास जो ध्यान देने की बात है कि ये वजनदार है, इसका जो खाली ऊपर का ढक्कन है वो भी बहुत काफ़ी वजन है, तो इसको मतलब साफ करते समय या कहीं रखते समय गिरे ना वो बहुत ज़्यादा ध्यान है। अगर मान लो कि ये ऐसे गिर गया और मान लो कि इसको बैंड हो गया, कुछ हो गया, तो फिर प्रेशर जो है आपका लीकेज करने का प्रॉब्लम कर सकता है। तो मेन चीज़ को हैंडल करने का मतलब जो तरीका है, मतलब कहीं गिरे ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिर्फ वजन की वजह से, क्योंकि इसका वज़न बहुत ही ज़्यादा है। इसका जो ढक्कन है वो भी वज़नदार है और ये भी वज़नदार है। दूसरी अच्छी बात है कि इसमें हमको ये लीड दिया हुआ है साथ में, तो इसको हम एज ए कढ़ाई की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। दूसरा अगर मैं बताऊँ कि ये जो है हमने ये कुकर टाइप का जो लिया है 3 लीटर का, इसमें 3 अलग अलग मॉडल आते हैं। इसमें एक हांडी टाइप का आता है जिसमें ये ऊपर का पोर्शन कम चौड़ा होता है और नीचे का बेस बड़ा होता है, तो हांडी टाइप का दिखता है। तीसरा जो है वो पैन टाइप का आता है, मतलब इसकी जो विड्थ होती है वो ज़्यादा होती है और हाइट कम होती है। तो 3 मॉडल है, पैन, हांडी और ये नॉर्मल जो हमारा कुकर का जो हाइट होता है वैसा वाला है। तो मुझे जनरली ये ऐसा वाला ही चाहिए था, तो मैंने ये वाला लिया है। इसकी MRP है वो 3400 है, लेकिन जो ऑनलाइन या ऑफलाइन जो है 3000 के आसपास प्लस और माइनस 200 में रहता है, 2800 से लेके 3200 तक इसकी प्राइस रहती है। दूसरा अगर नेगेटिव पॉइंट में अगर हम बात करें तो इसको हम दो हाथों से ही ऑपरेट कर पाएंगे, सिंगल हैंड से उठाना मुश्किल है। ऐसे उठा सकते हैं थोड़ा, लेकिन यहाँ पे हमको ज़्यादा जोर पड़ रहा है, ये तो अभी भरा नहीं है, लेकिन इसमें अगर हम 2 लीटर जब कुछ भरेंगे तो हम उसको जल्दी से उठा नहीं पाएंगे, तो दो हाथ से इसको ऑपरेट कर पाएंगे। जैसे पुराने कुकर में हम एक हाथ से उसको पकड़ सकते थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। पुराने कुकर में क्या होता था कि वो एक हाथ से जब हम पकड़ते थे तो वो
उसका जो बॉटम है थोड़ा गोल रहता था, पहले वाले में गोल रहते थे, अभी बाद में फ्लैट आने लगे थे, तो वो जो है ऐसे ढनक जाता था, ऐसे ऐसे हो जाता था, ऐसे रह जाता था। लेकिन अब नए वालों में फ्लैट बॉटम रहता है, क्योंकि अब आजकल इंडक्शन बेस वाले में सपोर्ट वाले रहते हैं, तो ये सारे सपोर्ट करता है, इंडक्शन बेस भी सपोर्ट करता है, आपका सिरामिक है या और भी जितने भी आते हैं स्टोव, उस सबको सपोर्ट करता है, तो आप इसको बेझिझक यूज़ कर सकते हैं। इसकी एक और ख़ास बात है कि ये स्पिल फ्री बोलते हैं, तो स्पिल फ्री का मतलब ये है कि अगर मान लो कि अंदर का पानी जो है वो जो है अगर निकलता भी है, तो क्या होता है कि यहाँ पे ये आप देखेंगे यहाँ पे तो ये खड्डा दिया हुआ है दोनों तरफ, तो आपका जो पानी जो निकलेगा, पानी दाल या जो भी है आपका जो है चावल का जो स्टार्च है वो निकलता है, तो पहले वो आके यहाँ पे जमा होगा। जनरली पुराने वाले कुकर में क्या होता था कि वो निकल के सीधा बाहर से यहाँ से लग के फिर वो सीधा गैस के फ्लेम में चला जाता था, तो आपका जो गैस का फ्लेम है वो धीमा हो जाता था, पीला हो जाता था, कभी कभी चौक भी हो जाता था लंबे टाइम पे यूज़ करने पे। तो यहाँ पे ये जो एक यहाँ पे एक हाइट दे दिया है थोड़ा सा, आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे एक थोड़ा सा करीब 1 सेंटीमीटर के अंदर जो है थोड़ा दे दिया है, तो जो भी आपका निकलेगा वो यहाँ पे सीधा आएगा। ये जो कुकर है वो 5 साल की वारंटी पे आता है, और मान लो कि आपका कोई कुकर में कुछ प्रॉब्लम होता है तो 5 साल में इसको आप रिपेयर करा सकते हैं, कोई भी पार्ट से वो चेंज हो जाएगा। 3 लीटर कैपेसिटी का है, जैसे मैं बताया कि इंडक्शन और गैस कॉम्पिटिबल है, मैक्सिमम सेफ्टी है इसके अंदर, यूनिक लीड विथ स्पिलेज कंट्रोल मैंने बताया वैसे अभी। चावल को धो के अच्छे से अंदर हम डाल लेते हैं। इसमें हम पानी डाल देंगे। ये देखिए यहाँ पे ओपन लिखा है और ये क्लोज, ये ओपन, तो हमारा जो ये यहाँ पे जो निशान है ये क्लोज की तरफ जाना चाहिए, तभी हम माना जाएगा कि ये पूरा बंद हुआ है क्लिप। अब इसको हम जब हो जाएगा तब देखेंगे। हमारा चावल अब बन गया है, हमने तो खोल लिया है, इसका बॉटम जो है देखिए आप कहीं भी कोई लगा नहीं है, एकदम सही से बन गया है। इसका बॉटम जो होता है बहुत हैवी होता है, इसलिए वो चिपकता नहीं है। तो इसके अंदर अब जो है आप सब्जी भी बना सकते हो, कुछ भी छौंका भी लगा सकते हो, मल्टीपर्पज़ जो है ये हम काम कर सकते हैं, इसी को हम यूज़ कर लेंगे अगर छौंका लगाना है या कुछ भी करना है। तो इसमें चावल जलते नहीं है, लोग मतलब एसएस में जनरल जलता है ना, लेकिन क्या इसमें जो एसएस का क्वालिटी जो है बहुत मजबूत क्वालिटी है, हैवी बॉटम है, मोटा है, परत है उसकी मोटी है, तो हीट ट्रांसफ़र जो है वो अच्छे से हो पाती है, और जो पतला होता है जो स्टील उसमें हीट ट्रांसफ़र अच्छे से नहीं हो पाती है, तो इसलिए वो जल जाता है वहाँ पर। तो ये कुकर जो है बहुत ही अच्छा है, आप ले सकते हैं।